हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने इस छोटे से जो छत पे लगा रखा है पौधा, मैं इन सभी से आपको दिखलाती हूँ सबको किस तरह से मैंने ये पौधा लगाया है छत पे छोटे छोटे गमलों में। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है क्रिसमस कैक्टस, इसका नाम है। और इसको मैंने एक साल पहले लगाया था, जब मैं इसको लाई थी इस पौधे को, उस समय इसमें फूल लगे हुए थे पिंक कलर के। लेकिन आज तक इस पौधे में फिर दोबारा से फूल नहीं लगे हैं और पौधा भी बहुत मतलब सूखने की जैसा ये दिख रहा था। कुछ पौधे तो टूट भी गए थे इधर से। और ये इसको मैंने अपने बालकोनी पे लगाया था जहाँ पे धूप एक भी नहीं आता है, तो फिर उसको मैं थोड़ा धूप में ले आई हूँ इस बार। देखती हूँ इस पर नए पत्ते निकलते हैं या नहीं। अभी तो सीजन है इसका फूल खिलने का, नवंबर दिसंबर, दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में इसमें फूल आती है, तो देखती हूँ इसमें फूल आती है या नहीं। आप लोग मुझको ये कमेंट करके बतलाएं कि इसमें क्या डालना चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए, कि जो भी वो लोग बतलाते हैं नर्सरी वाले, वो खाद डालने पर भी पता नहीं क्यों घर पे मेरे ऐसा ठीक से हो नहीं रहा है, पौधा बड़ा नहीं हो रहा है। फिर भी देखती हूँ इस बार धूप में मैं ला करके इसको रखी हूँ। और फिर और एक पौधा ये है नींबू, जो मैं अपने बीज जो खा करके लगाया था वो इतना बड़ा हो गया है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा अच्छे से। तो इस पर भी पता नहीं और कितने साल लगेंगे, ये एक से दो साल का है ये पौधा, बहुत छोटे सा बीज से मतलब बीज को डाल करके मैं लगाई। और मिलवाती हूँ मैं अपने पौधों से, ये पौधा भी पता नहीं इसका नाम तो मुझको नहीं आता है, इसको भी मैंने अपने बालकोनी पे रखा था जहाँ पे एक भी धूप नहीं आती है। अभी फिर उसमें पत्ता पीले पीले होने लगे तो फिर मैं इसको छत पे ले आई हूँ धूप में, तो हल्का धूप इसको देती हूँ। थोड़ा सा पत्ता इसका भी सा कलर जो है वो अच्छा दिख रहा है। और एक चीज़ है, ये है इसको सुपारी, सुपारी तमुल भी बोलते हैं सुपारी, ये मैं अपने परिचित के यहाँ से लेकर आई थी उसका बीज और उसको डाली थी, तो फिर ये पौधा ऐसा निकला है। और ये खजूर जो मैं खजूर जो बाज़ार से लेकर के आते हैं खाते हैं वही वाला खजूर मैं लेके आई थी और उसका बीज डाल दी थी, तो उसका भी ये पौधा निकल कर आया है दो। और ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने एक फल जिसका नाम शायद गुलाब, गुलाब जामुन इस तरह से ऐसा कुछ है उस फल का नाम, तो उसका भी मैंने उस फल का खा करके बीज जो था उस बीज को लगा दी थी और उस बीज से ये पौधा आज हो गया दो से तीन साल का है ये पौधा गमला पे, तो ये भी इतना बड़ा हो रहा है। इसको अभी तो मैं कहीं नहीं शिफ्ट करूँगी क्योंकि इसको बाद में जब अपने घर पे ले जाऊंगी तो वहाँ पे ज़मीन पे डालूंगी, इसलिए अभी इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और ये भी बहुत सुंदर लगता है, इसका जो डिज़ाइन है इस पेड़ का वो बहुत ही सुंदर है। तो ठीक है दोस्तों, आज ये मेरा वीडियो इतना ही है। आज मैं पहली बार आप लोगों को इस तरह से वीडियो दिखा रही हूँ।
अगर आप लोगों को पसंद आए ये मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सबों को देखने के लिए ये मेरा वीडियो। नमस्कार।